और बरेली में मौलाना तकीर रजा ने फिर विवादित बयान दिया है और कहा है कि पुलिस ने उनके लोगों से जबरन लिखवाकर कार्यक्रम स्थगित कराया है। वहीं मौलाना रजा ने कहा कि सामूहिक निकाह कार्यक्रम के लिए उन्हें अनुमति नहीं मिल रही है। अनुमति मिले या ना मिले, लेकिन जिस तारीख को उनका कार्यक्रम है उसी तारीख को कार्यक्रम होकर रहेगा। साथ ही मौलाना रजा ने कहा कि देश में दो तरह के कानून है, एक वो जो मुस्लिम का उत्पीड़न करता है, दूसरा वो जो बगैर मुस्लिम को खुली छूट देता है। 21 तारीख को इज्तिमाई निकाह कराया जाएगा, इसके लिए हमने परमिशन मांगी हुई है। परमिशन अभी हमें नहीं मिली है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सामूहिक विवाह के कार्यक्रम सभी लोग करते रहे हैं, किए जाते हैं। मुझे परमिशन देने में इस कदर गुरेज क्यों किया जा रहा है, इस कदर एहतियातें क्यों रखी जा रही है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। रात मेरे लोगों को बुलाया गया, उनसे झूठे वादे किए गए और उनसे ये लिखवाया गया कि कार्यक्रम स्थगित किया जाता है। हमने जो तारीख दी थी, हम उस तारीख को ही अपना प्रोग्राम करेंगे।